अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण खुद कप्तान विराट कोहली माने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से विराट कोहली कोच कुंबले के विरोध में खुलकर आ गए थे। अनिल कुंबले पिछले साल टीम इंडिया के हेड कोच चुने गए थे। साल भर में उनकी अगुवाई में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, इसके बाद भी वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। सोमवार रात को इंग्लैंड में सीएसई की मीटिंग में यह साफ हो गया था कि अब अनिल कुंबले का कोच पद पर रहना मुमकिन नहीं है। इस मीटिंग में विराट कोहली ने यह साफ कर दिया था कि कुंबले के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ सकता। कोच के तौर पर कुंबले कभी भी विराट की पहली पसंद नहीं रहे हैं। उनकी पहली पसंद रवि शास्त्री हैं, जो कि कुंबले से पहले बतौर डायरेक्टर और कोच टीम इंडिया से जुड़े थे। कुंबले के जाने की वजह उनका बोर्ड में कोई तरफदार न होना भी बताया जा रहा है। कुंबले का सिलेक्शन सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने किया था, लेकिन इसके बाद कुंबले को बोर्ड में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। ऐसे मौके कम ही आए जब बोर्ड में कोई कुंबले के सपोर्ट में खुलकर सामने आया हो। अनिल कुंबले ने इस्तीफा देने के बाद ट्विटर पर एक थैंक यू लेटर पोस्ट किया है। इस लेटर में उन्होंने बीते एक साल में टीम इंडिया के अचीवमेंट्स का क्रेडिट कैप्टन विराट कोहली और उनके प्लेयर्स को दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे कल पहली बार बीसीसीआई की तरफ से बताया गया कि कैप्टन को मेरी स्टाइल और हेड कोच के तौर पर मेरे टीम में बने रहने पर एतराज था। अनिल कुंबले का टिकट होने के बावजूद टीम इंडिया के साथ वो वेस्ट इंडीज दौरे के लिए रवाना नहीं हुए। कुंबले ने टीम के साथ न जाने के पीछे एक मीटिंग का हवाला दिया। कुंबले ने कहा कि उन्हें 22 और 23 जून को लंदन में एक आईसीसी मीटिंग अटेंड करनी है। 23 जून को वेस्ट इंडीज में होने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड से ही वेस्ट इंडीज रवाना हो गई है। अभिषेक, NBT, दिल्ली।